ऑन कर लेना आप। मशीन ऑन होगी तो एक ग्रीन लाइट आएगी या रेड लाइट आएगी। हाँ, ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो ऑन हो जाने दीजिए, फिर बताइए। ऑन होने के बाद कुछ चीज़ें डिस्प्ले होंगी, उसको कंप्लीट होने दीजिए, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सामने दिखा दो, ये जो पार्ट होता है इसको रिजल्ट सेक्शन कहते हैं, ये होता है कैंडिडेट सेक्शन, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहीं से काम है, यही खोलेंगे आप रिजल्ट सेक्शन। ये जो आप डिस्प्ले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एंड आ जाएगा, तब आप बैटरी हाई आता है, बैटरी हाई, बैटरी मीडियम जो भी आएगा उसके बाद। अब आप इस सेक्शन को ऊपर वाले को प्रेस कर देंगे, ये रिजल्ट सेक्शन होता है। इसका जो स्ट्रिप आपको कागज दिख रहा है उसको आपको टियर करना है, मतलब उसको दबाएंगे वो फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये देखिए, जैसे मैंने रिजल्ट सेक्शन प्रेस किया ना, तो इस पर इनवैलिड आ रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके जैसे जब भी इलेक्शन कंप्लीट होगा ना, तो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये क्लोज करना होता है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको क्लोज नहीं करेंगे तो जब आप रिजल्ट सेक्शन दबाएंगे तो इनवैलिड आएगा, इनवैलिड आएगा। तो एक बार आप किसी को, जो भी यहाँ पे स्टाफ है आर ओ स्टाफ, उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे कि इनवैलिड आ रहा है, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्लोज नहीं किया है। उसके बाद जब वो आपको बताएंगे तो फिर आप क्या पहले क्या करेंगे, पहले आप इस क्लोज बटन को प्रेस करेंगे। अगर इनवैलिड रिजल्ट दबाते ही इनवैलिड आ रहा है तो सबसे आपको बस क्लोज करना है, तो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले एक बार आप आर ओ स्टाफ को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये मशीन क्लोज नहीं हुई है। उसके बाद आप क्लोज करेंगे इसको, ये वाला क्लोज बटन है, यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर ये क्लोज होगा। वैसे प्रिजाइडिंग्स की ड्यूटी होती है वो मशीन को क्लोज करके ही हैंडओवर करें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लोज ना हो, तभी वो इनवैलिड दिखाएगा, तो आपको ये प्रोसेस करना है। जब आप क्लोज करेंगे तो उसमें कुछ एक्टिविटी होंगी, लास्ट में इसमें आएगा पोल क्लोज, जब पोल क्लोज आ जाएगा तो फिर आप रिजल्ट सेक्शन को प्रेस कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट बताएगा। आ गया पोल क्लोज। हेलो, हाँ, अब इसके बाद फिर हम रिजल्ट सेक्शन को प्रेस करेंगे। अभी आ रहा है कंप्यूटिंग रिजल्ट, अभी जब कंप्यूटिंग रिजल्ट दिखाएगा ना, तो इसमें सारे कैंडिडेट के, हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो आपको बताएगा, कैंडिडेट वन को कितने हैं, कैंडिडेट टू को कितने मिले हैं, वो आपको नोट करना, वो आपको नोट करते जाना कि कैंडिडेट वन को इतने वोट मिले हैं, कैंडिडेट टू को इतने वोट मिले हैं, वो सारे आप नोट करते जाएंगे। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आप नोट करेंगे। आपको जो फॉर्म मिलेगा उसमें वार्ड नंबर, पीएस नंबर, वो सारी एंट्रीज आपको करनी है, और मशीन का नंबर नोट करना है, सीयू मशीन का नंबर, उस मशीन में कैंडिडेट नंबर वन को इतने वोट, कैंडिडेट टू को इतने वोट, ये सब आपको नोट करना है। इसमें दिखाएगा आपको सारे कैंडिडेट को, बारी बारी से बताता है कैंडिडेट वन को कितने मिले हैं, उसके बाद फिर कैंडिडेट टू, फिर कैंडिडेट थ्री, फिर कैंडिडेट फोर, इसमें चार ही हैं, तो आपको चार ही देखना है। ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये किस स्पीड से आता है, अगर जैसे पार्टी के ऑब्जर्वर्स भी होते हैं उनको भी दिखाना पड़ेगा, अगर उस टाइम वो आपके पास होते हैं तो आप दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दोबारा दिखाएं उनको। और ये मतलब रिजल्ट सेक्शन आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट सेक्शन बार बार प्रेस करके बार बार रिजल्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पिछले बार रिजल्ट नहीं जाएगा, तो अगर आपको दिक्कत है तो बार बार रिजल्ट सेक्शन प्रेस कीजिए, बार बार रिजल्ट देख सकते हैं। आपके, आप जब काउंटिंग कर रहे होंगे तो आपके बाहर की तरफ एजेंट्स भी बैठे होते हैं, उनको भी आपको दिखाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा ये कैंडिडेट वन के इतने वोट हैं, वो सब वो पूछ सकते हैं आपसे। ये एंड आ गया, एंड आ गया मतलब ठीक है, आपका हो गया रिजल्ट। अगर आपको किसी को डाउट रहा कि कुछ छूट गया, मतलब कैंडिडेट वन में कुछ मिसमैच है किसी को भी, तो फिर से आप रिजल्ट सेक्शन प्रेस करेंगे तो फिर से ये रिजल्ट बताएगा। आप रिजल्ट कितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा राउंड, जब तक एंड ना आ जाए तब तक फिर रिजल्ट सेक्शन आप दोबारा प्रेस ना करें। जैसे अभी कंप्लीट हो गया तो फिर आप चाहें तो फिर रिजल्ट देख सकते हैं, फिर से वही रिजल्ट बता देंगे, इसमें स्टोर रहता है। क्रॉस चेक करने के लिए टोटल वो नंबर दिए होंगे ना, कहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा, हमने जो लिखा है वो टोटल और ये टोटल मैच कर रहा है?
वो 17C में जो एंट्रीज जो होंगी ना, उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एंट्रीज करी है उससे ही चेक हो पाएगा वो भी है। और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले टोटल वोट दिखाते, टोटल सबसे स्टार्टिंग कैंडिडेट बन के बताने से पहले टोटल वोट कितने पड़े वो बताएंगे यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले। वोटिंग के टाइम पे कभी भी कैंडिडेट की कितने वोट आए वो नहीं आपको मिलेगा कहीं से भी डेटा, वो तो आपको सिर्फ मशीन से ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वोट लास्ट में आप टैली कर सकते हैं कि जितनी मशीन हैं वो आप टोटल करके फिर सारी मशीन का टोटल करके वो चेक कर लीजिएगा। वो एजेंट्स भी साथ साथ चेक करते जाते हैं क्योंकि उनके पास भी वो डिटेल्स होते हैं। कॉपी पे नोट कर लिया टोटल वोट निकाल लिए, जैसे 10-20 कैंडिडेट वन को 10 दूसरे को 20 टोटल मिला के 50 हो गया। आपको फिर भी टैली करना है कि 50 उसके हैं यहाँ पे 50 है कि नहीं, तो आप यहाँ नीचे टोटल बटन होता है इसको प्रेस कीजिएगा तो दिखा देगा टोटल कितने हैं, वहाँ से टैली कर सकते हैं। और ठीक है तो वापस इसको बंद करना है आपको, बंद करके फिर इस सेक्शन को खोल लीजिएगा कैंडिडेट सेक्शन को, यहाँ पे सील लगी उसे खोलना है और यहाँ से बैटरी आपको निकालनी है, पीछे से ऑफ करके ये बैटरी निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये बैटरी आप निकालेंगे, बैटरी भी निकालनी है और वीडियो बना रहे हैं प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, आप कीजिए फोन की मेरी इतना है। ठीक है, वापस बैटरी निकालने के बाद इसको सील करना होता है, जैसे पहले टैग लगा हुआ था सील किया हुआ था एड्रेस टैग लगा कर, वैसे यहाँ पे भी और यहाँ दोनों को आपको टैग लगा सील कर देना। फिर दोबारा बंद भी करना है? हाँ, दोबारा बंद करके सील करना है तो फिर दोबारा सील मिलेगा टैग करने का। हाँ, एड्रेस टैग मिलता है वो आप चेक लगा के एड्रेस टैग लगा। सेम नंबर लिखना होगा? हाँ, नंबर सेम आता है, नंबर सेम रहेगा, लिखना पड़ेगा ना हमें। हाँ, वो नंबर सेम जो पुराना एड्रेस टैग होगा ना उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। और वापस बैग में रखिएगा इसके डब्बे में, और डब्बे को भी आपको फिर से सील करके वही एड्रेस टैग लगाना होता है। बैटरी आप दे दीजिएगा, वहीं रख दीजिएगा, बैटरी को ले लेंगे, जो मशीन ले जाएगा वो बैटरी भी ले जाएगा। अब आप लोग जिसको भी प्रैक्टिस करना है आप लोग आ जाइएगा, हॉल में भी चलते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे एक मशीन हमें मिला तो वो तुरंत उसके बाद सबमिट करनी है स्ट्रॉन्ग रूम में, और उसके बाद अगर ले जाएंगे टर्न बाय टर्न करना या फिर इकट्ठा में सारा? नहीं, टर्न बाय टर्न होता है, एक मशीन देंगे आप उसका पूरा कंप्लीट करेंगे फिर वो मशीन ले जाएंगे, उसके बाद आपको दूसरी मशीन मिलेगी। एक मशीन कंप्लीट करके सबमिट करा देंगे फिर दूसरी मशीन जब आएगी तब स्टार्ट करेंगे, सारी मशीन एक साथ नहीं आएंगी। मैडम ये इसकी बैटरी पहले से जब मिलेगा तब इसमें लगी हुई मिलेगी ना? हाँ, आपको उस टाइम बैटरी मिलेगी।